नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वो समझता तो ये था कि वो बीहड़ पर एक छत्र राज करेगा, लेकिन महिलाओं पर कायरता दिखाने वाले जगन गुर्जर की बादशाहत ज्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी। जगन के अत्याचार का मामला जब संसद में उठा तो फिर पुलिस पहले से ज्यादा चौकन्नी हो गई। वैसे क्षेत्रीय पुलिस तो तभी हरकत में आ गई थी जब फर्स्ट इंडिया ने जगन की ज्यादतियों को मुहिम के रूप में उजागर किया। लोगों को डराने वाला जगन इतना डर गया कि उसने एनकाउंटर से जान बचाने के लिए सरेंडर करना उचित समझा। बदमाशों के गिरोह के साथ बीहड़ में बादशाहत का इरादा था, लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ 15 दिन में ही उसे यू कारों की तरह सरेंडर करना पड़ेगा। शायद उसे आभास हो गया था कि पुलिस की गोली उसका इंतजार करने लगी है, और इसी मौत के डर ने कराया जगन का सरेंडर। जब सिर पर मंडराया मौत का साया, तब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। डीजीपी की सख्ती से लगा अब बीहड़ में गूंजेगी गोली। जय भवानी। तब डकैत बोला डर की बोली। पुलिस ने दिए संकेत कि अब होगी आर पार। कायर ने लगाई जान बख्शने की गुहार। फर्स्ट इंडिया की मुहिम भी बनी बवंडर। चंबल के सबसे बड़े डकैत ने किया सरेंडर। महिलाओं पर हाथ उठाने वाले कायर का हुआ इंतजाम। कमजोरों को सताने वाले का यही होता है अंजाम। जिसने किया सरे बाजार दहशत का नंगा नाच। वो थर थर कांपा जब अपने सिर पर आई आंच। गोली का डर दिखाने वाला गोली से डर गया। बीहड़ का शैतान जगन अब अंदर से मर गया। पुलिस डकैत की लुका छिपी के खेल का हुआ अंत। मौत का डर, जगन का सरेंडर। धौलपुर से रवि कटारा और विनोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
दरअसल पिछले 15 दिन से राजस्थान, यूपी और एमपी की पुलिस उसकी तलाशी में लगी थी। जगन गुर्जर ने बचने के लिए कई शातिर चालें भी चली, लेकिन जब उसका हर दाव नाकाम होता गया तो फिर दहशत फैलाने वाला खुद दहशत से भर गया। बताते हैं कि डीएसपी परमाल गुर्जर उसके नजदीक जा पहुंचे थे, ऐसे में अपनी जान बचाने के अलावा जगन के पास कोई रास्ता नहीं था। आतंक से थरथर कांपती थी चंबल घाटी, बीहड़ में जिसके नाम का बज रहा था डंका, कायर निकला वो दहशत का पर्याय। महिलाओं पर हाथ उठाने वाला मौत देखकर डर गया, कमजोरों को सताने वाला अंदर से मर गया। वो पिछले 15 दिन से पुलिस के साथ चूहा भाग बिल्ली आई का खेल खेल रहा था। पुलिस डाल डाल तो वो पात पात कहां कहां नहीं ढूंढा। राजस्थान की सीमा से बाहर यूपी और एमपी की सरहद में भी उसकी तलाशी हुई। पुलिस परेशान थी कि जगन को आसमान निगल गया या वो जमीन में समा गया, लेकिन जब पुलिस अपनी अपनी पर आती है तो फिर अपराधी पाताल में भी छिपा हो ढूंढ निकालती है। डीएसपी परमाल गुर्जर ने ठान रखी थी उसे पकड़ने की। अपने साथियों के साथ वो बीहड़ की खाक छानते रहे। जगन भी पुलिस की हर हरकत पर नजर गड़ाए था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से वो समझ गया कि अब कभी भी पुलिस की कोई गोली उसके जिस्म को छलनी कर देगी। मौत सामने देखकर दहशत का ये पर्याय खुद दहशत से भर उठा और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जगन गुर्जर बीहड़ में दहशत का नया पोस्टर बॉय बनकर उभरा था। हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद उसने एक गांव में जमकर तांडव किया और सरेआम दहशत फैलाकर खुद को क्राइम के नए नाम के रूप में स्थापित करने में जुट गया। इधर इस वारदात के बाद पुलिस पर उसे गिरफ्तार करने का दबाव बना। फर्स्ट इंडिया ने भी जगन की इस करतूत को प्रमुखता से उठाया, चंबल रिटर्न्स नाम से कार्यक्रम प्रसारित किया। इसके बाद ही इलाकाई पुलिस हरकत में आई थी। पुलिस पर जगन को गिरफ्तार करने का दबाव था और पुलिस के अधिकारी जगन की तलाश में बीहड़ की खाक छानते घूम रहे थे। पुलिस से बचने के लिए जगन ने काफी शातिराना चालें चली। गिरोह के सभी सदस्यों को तितर बितर कर दिया ताकि कोई अरेस्ट न हो जाए, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती रही और कड़ी से कड़ी जोड़कर उसके नजदीक पहुंचती रही। जब जगन को लगा कि अब किसी भी वक्त वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा या पुलिस की कोई गोली उसकी लुका छिपी खत्म कर देगी, तो वो टूट गया। दहशत से भरे जगन ने सरेंडर करने में भलाई समझी और आखिरकार बाबू महाराज के जंगलों में उसने सरेंडर कर दिया। जिस दिन से ये वारदात हुई है उस दिन से लगातार 15 दिन लगभग हो गए, 15 दिन से हमारा कॉम्बिंग और सर्चिंग ऑपरेशन रेगुलर डांग क्षेत्र में चल रहा था। उस डांग क्षेत्र में जो हमारा कॉम्बिंग हुई उससे इतना दबाव इन दस्यू गैंग्स में हो गया, उसके चलते आज रात कल रात को हमें ये सूचना मिली थी कि इसकी जो लोकेशन है वो भभूतीपुरा और मुगलपुरा के जंगलों में आ रही है। उस पर हमने कोई आसूचना संकलन करने के लिए हमारे दो कर्मचारियों को भेजा था जो नियत रूप से इन पर निगरानी करे हुए थे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हमें जब सूचना मिली कि इसके कन्फर्मेशन है इस जगह पे, तो हमने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया। घेर करके करीब सुबह 9:30 बजे जब चारों तरफ से घिर गया तो इसने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। सर, सबसे बड़ी जो मामला सामने आया कि ये सिर्फ अकेला सरेंडर हुआ है, इसकी कोई साथी आपके गिरफ्तारी हुई है? नहीं, ये जब डाबिर में 14 तारीख को जो मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, उस समय इसका भाई पप्पू, ये जगन, लाल सिंह और इसके गैंग के पप्पू का एक साला और इसके गैंग के 3-4 लोग और सब साथ में थे। उस दिन लगभग 8 लोग ये साथ में थे। उस दिन जब ये मुठभेड़ हुई तो उसी दिन इनको इतना खौफ हो गया पुलिस का कि इन्होंने गैंग में रहने के बजाय ये अकेले अकेले रहना शुरू कर दिया, ताकि अगर पुलिस की कोई कार्रवाई में पकड़ा जाए तो अकेला ही व्यक्ति पकड़ा जाए। सर, अभी बात आपने अगर की है जगन गुर्जर से, कोई अगर और आगे की कोई उसके साथी का कोई खुलासा हुआ, उसके कोई भाई जो है उसका कोई खुलासा हो पाया अब तक? अभी तक बाकी लोगों की लोकेशन का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे ये सर्च ऑपरेशन हम निरंतर रूप से, जब तक सभी दस्यु गैंग या तो हमारी पकड़ में नहीं आ जाए या सरेंडर नहीं कर दें, हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है करौली और धौलपुर की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो डर था दहशत थी वो जगन गुर्जर को लेकर थी। ये आपकी टीम ने कॉम्बिंग किया, इस पर पकड़ा गया, सबसे बड़ा इसमें रोल किसका रहा?
इसमें सबसे प्रमुख रोल जो रहा है हमारे तीन कर्मचारियों का रोल सामने आ रहा है, जिनमें दो कर्मचारी जिन्होंने आसूचना संकलन कर हमें पिन पॉइंट लोकेशन तक पहुंचाया, उनमें एक कर्मचारी हेड कांस्टेबल है जो भरतपुर पुलिस से है, जिसको डांग के बारे में विशेष जानकारी है, यहाँ 18 साल पहले पोस्टिंग रह चुका है, उसको हमने विशेष रूप से यहाँ बुला करके कैंप कराया था, वो हाल कैंप अभी धौलपुर में है, संतोष गुर्जर करके हेड कांस्टेबल है, एक भंवर सिंह करके ASI हैं जिन्होंने आसूचना संकलन में विशेष भूमिका निभाई, और एक रूपेंद्र करके कमांडो हैं RAC के, जिनका महत्वपूर्ण रोल। सर अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर इसको जगन गुजर की बात की है? अभी हमारी रणनीति ये रहेगी कि इसके जितने भी मुकदमे उनमें अरेस्ट करके हम इसको न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचाएं, इनके केसों की मॉनिटरिंग करें, और डांग में हमारा सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग रेगुलर जारी रहे। इसके खिलाफ जो मामले हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? इसके जितने भी मुकदमे हैं उनको हमने केस ऑफिसर स्कीम में ले लिया है, इसको हार्ड कोर श्रेणी में घोषित कर हमने ले लिया है, और इन केसों को रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और कोर्ट में जल्दी से जल्दी ट्रायल करा करके इनको कन्विक्शन तक ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इसके जो सपोर्ट थे, जो भाई थे और जो गैंग थी, उनके खिलाफ अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? लगातार हमारा सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा डांग में। जगन को खोजने में पुलिस की यह सतर्कता इतनी अनायास नहीं थी। 40,000 रुपए का इनामी डकैत जगन के आतंक पर अंकुश लगाने के लिए संसद में भी आवाज उठ चुकी थी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो उसके एनकाउंटर की मांग भी कर दी थी। इधर DGP कपिल गर्ग भी अपने रिटायरमेंट से पहले किसी भी सूरत में जगन की गिरफ्तारी चाहते थे। जगन के सरेंडर के बाद DGP खासे खुश नजर आए और उन्होंने इसे पुलिस की ओर से खुद के लिए गिफ्ट बताया। राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि, DGP कपिल गर्ग सर हमारे साथ हैं, बात करेंगे इनसे। सर काफ़ी बड़ी उपलब्धि है आपके कार्यकाल में। जी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जगन गुर्जर जो पिछले दिनों बेल पर गए और उसके बाद उन्होंने अपने बिहड़ में फिर से एक बार आतंक फैलाने का प्रयास किया, तो राजस्थान पुलिस ने बहुत मेहनत की, उसके फलस्वरूप आज जगन गुर्जर को पुलिस अधीक्षक धौलपुर के समक्ष उपस्थित होने पर बाध्य होना पड़ा। ये राजस्थान पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। मेरा अब रिटायरमेंट नज़दीक है तो मैं इसे राजस्थान पुलिस की ओर से अपने लिए एक तोहफा मानता हूँ, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले समय में भी इससे भी बेहतर काम करेंगे। सर कार्यकाल रहा काफ़ी बेहतरीन कार्यकाल रहा, कई नवाचार किए आपने, और जब लास्ट की बात करें अगर अंतिम कार्य दिवस की बात करें तो बड़ी उपलब्धि मुझमें आई। जी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की कि अंतिम दिन ये उपलब्धि हुई, दो ही दिन बचे हैं अब मेरे कार्यकाल के, और नवाचार किए ये सही बात है, और राजस्थान पुलिस के काम करने के तरीके में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, आंतरिक सुधार का प्रयास किया, दूरगामी परिणाम आएंगे इन सभी प्रयासों के, ऐसा मेरा विश्वास है। सर कोई संदेश रहेगा आपका पुलिसकर्मियों के लिए? पुलिसकर्मियों के लिए संदेश है कि वो अपना 100% योगदान दें, उनसे नागरिकगण की बहुत अपेक्षाएं हैं, राज्य सरकार की बहुत अपेक्षाएं, इस विभाग की बहुत अपेक्षाएं हैं कि वो एक रोल मॉडल के रूप में पुलिस अधिकारी का कर्तव्य निभाएं और यहाँ के नागरिकों, यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को एक सुरक्षित माहौल दें, यही मेरी उनको संदेश है। पुलिस की सक्रियता और चौतरफा दबाव के आगे जगन हार मान गया, उसे अपने सिर पर मंडराती मौत नजर आने लगी। अपनी जान को खतरा देख जगन गुर्जर ने पुलिस के आगे तीसरी बार आत्मसमर्पण किया, लेकिन कायरों की तरह तीसरी बार आत्मसमर्पण करने के बाद भी बातें बहादुरी की। देखिए जगन गुर्जर बाड़ी थाने पर अभी यहाँ मौजूद हैं और पुलिसकर्मी जो हैं उनके बिल्कुल घेरा बनाए हुए, मेरे साथ जगन गुर्जर मौजूद हैं। ये आपने आज सिलेंडर किया है? मैंने कुछ सिलेंडर नहीं किया, आपने पुलिस ने आज भविष्य देकर आपको पकड़ा है, तो आपके क्या कारण रहे थे? आप एक बार फिर आपने हंगामा मचाया, महिलाओं को निर्वस्त्र किया। कौन कहा मैंने निर्वस्त्र करी? आपने देखे फोटो है आपके पास, मामला सामने तो दुश्मनी में तो कुछ भी कह सकता है, लाइसेंस के चक्कर में, दुश्मनी चक्कर में कुछ भी केस बना सकता है। मैं सुनो, मैं कायर नहीं हूँ, मैं आदमी मार सकता हूँ, नर्वस्त नहीं कर सकता कभी और तक, ये झूठी बात है सर। तो ये आप सिलेंडर कर देते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर सिलेंडर कर देते हैं फिर भाग जाते हैं, आखिर क्या कारण है सर? क्या कारण? आप पुलिस को गाड़ी में तो मैंने पीटे, मेरे मूड फोर दे मैंने पेट पीटे गाड़ी में, तो वही झूठी लगाई सर। ये साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसके बाद उन्होंने जगन ने क्या यहाँ हंगामा मचाया और महिलाओं को उन्होंने निर्वस्त नहीं किया, उनका साफ तौर पर यहाँ कहना है। कहते हैं जो बहुत बहादुर बनने का नाटक करते हैं वो अंदर से बहुत डरे हुए और खोखले होते हैं। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर घनी दाढ़ी और बेफिक्र अंदाज, लेकिन जब मौत सिर पर मंडराई
तो हर नशा काफूर हो गया। जगन का यह वीडियो पुराना है, लेकिन अब उसकी बहादुरी की कलई खुल चुकी है। उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। शायद ये आखिरी बार है जब जगन की जान बची है। अब अगर फिर जगन ने दहशत का राज कायम करने की कोशिश की तो कौन जाने पुलिस की किस गोली पर जगन गुर्जर लिखा है। धौलपुर से रवि कटारा और विनोद तिवारी, जयपुर से सत्यनारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए आगे, इतिहास भी काले कारनामों से भरा। उसने जरायम की दुनिया में काफी पहले कदम रखा था, और इतना ही नहीं, वो पहले 3 बार सरेंडर कर चुका है। बताया जाता है उसने अपने गांव में ऐसा आतंक फैलाया था कि धीरे धीरे काफी तादाद में गांव के लोग पलायन कर गए। आज जब जगन के डर की तस्वीरें सरेआम है तो उससे दहशत खाने वाले लोगों के दिल को भी तसल्ली मिली होगी। 3 हड़ में दहशत का दूसरा नाम बनने की चाहत के साथ क्राइम के रास्ते पर निकल पड़ा था जगन गुर्जर। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए जगन गुर्जर ने आतंक मचाते हुए कस्बे के मुख्य बाजार में आधा राउंड फायर किए, लोगों के साथ मारपीट की। इससे 3 लोगों को चोटें आईं और कई हथठेलों और दुकानों से सामान फेंक दिया। जगन गुर्जर ने एक बार फिर बसई डांग थाना इलाके के करण सिंहपुरा में दहशत फैलाते हुए एक परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की। आरोप तो ये भी है कि उसने कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में इसलिए घुमाया क्योंकि उस परिवार पर जगन को मुखबिरी का शक था। जगन हाल ही में जेल से बाहर आया था। बताया जा रहा है कि जब जगन करण सिंह का पुरा गांव में पहुंचा तो परिवार के पुरुष अपने पशुओं को भीषण गर्मी में पानी की किल्लत के चलते यूपी लेकर चले गए थे। इसके चलते घर में सिर्फ महिलाएं ही मौजूद थी। परिजनों का आरोप है कि जगन गुर्जर ने अपने कुछ साथियों के साथ महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। मारपीट करी है, भीतर को फेंकने के शुरुआत खींची है और मेरे कपड़ा लत्ता सब फेंक के नहीं, और मैं बंदूकों का बुदाए हुए खाड़ी करके फिर पूरे गांव में मार तो गए, जहीं से रोड गई करके नहीं ले हुए फिर के मार तो आए नहीं पाते। मेरी घरवाली को घर में से जगन डकैत ने खींच के और नंगन करके कपड़ा बस्तर उतार के और मारपीट की, बेइज्जती की, और बेइज्जती करके फिर दूसरी मेरी भतीज बहू को पकड़ के नंगन करके एक मंगल सूट और कानन की जो इनको चीर ले गया और लूटपाट कर ले गया घर में से, और लेडी बहुत मारी। हम काम छोड़ने को तैयार हैं, हमारी सुरक्षा की जाए। हमारी 12 साल मेरी भिकाराम मेरा नाम है, मेरी पुरानी रंजिश थी 12 साल पुरानी, वैसी थोड़ी ज़्यादा कोई रंजिश नहीं थी। फिर बाद में मेरा वहाँ का सुलह हो गया, राजीनामा हो गया, फिर कोई रंजिश नहीं थी। करीबन 3 बजे आया है अपने मतलब दोस्तों के साथ दारू पी के, और वे 4 लोग थे, और यहाँ पे आकर मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी चाची उसको नगन करके ले गया है और सब बहुत बेइज्जती की है। कपड़ा हीन वस्त्र उतार के पूरे गांव में डलाया है। ऐसा हम गांव को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। हमने रात में बच्चों को जंगल से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, प्यासे बच्चे बहुत बेहाल हो गए हैं, बेहोश पड़े रहे हैं, देख देख के लाए हैं बहुत। जगन गुर्जर का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। गुर्जर आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित पैलेस को उड़ाने की धमकी भी दी थी। जगन की करतूत की खबर फर्स्ट इंडिया पर प्रसारित हुई तो जिला पुलिस हरकत में आई और उसकी तलाश में छापेमार कार्रवाई की गई। जगन गुर्जर के द्वारा करण सिंह का पुरामे हुए इस कांड के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था। गांव में रहने वाले बच्चे और महिलाओं का डर के मारे बुरा हाल था, ग्रामीण पलायन की बात कर रहे थे। इधर पुलिस की अलग अलग टीमें जगन के मूवमेंट की संभावना वाली जगहों पर कॉम्बिंग करती रही और आखिरकार उसने पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया। लेकिन जगन की कहानी इतनी भर नहीं है। किसी टाइम में वो चंबल घाटी में आतंक का पर्याय रहा, 2 दर्जन हत्याओं सहित कई और मुकदमे दर्ज, लूटपाट, हत्या का प्रयास, मुठभेड़, चौथ वसूली जैसे 70 मुकदमे भी दर्ज। 2009 में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में उसने आत्मसमर्पण किया। जगन की पत्नी ने धौलपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ा। जगन ने फिर कई वारदातों को अंजाम दिया, भरतपुर IG के समक्ष फिर से सरेंडर कर दिया, एक बार फिर अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा। 1994 में जगन ने बंदूक उठाई, एक व्यक्ति की हत्या करके डकैत बन गया। 1994 में बंदूक उठाकर बीहड़ में फरार हो गया। 2001 में SP बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने हाजिर हुआ।
2005 में छूटने के बाद फिर से डकैत बन गया। गिरोह में प्रेमिका और तीन भाई लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू शामिल थे। जेल से छूटकर प्रेमिका बच्चे के साथ जीवन यापन कर रही है। दो भाई लाल सिंह और पान सिंह गुर्जर जेल से रिहा हो गए। जगन का सबसे छोटा भाई पप्पू शुरू से ही फरार है। राजस्थान पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। कहा जाता है कि जगन गुर्जर ने बेटी की शादी करते वक्त कसम खाई थी कि अब वो अपराध की दुनिया से तौबा कर लेगा। जानकार बताते हैं कि जगन ने अपने भाई की बेटी को गोद लिया था। इसकी साल 2010 में शादी हुई, जिसमें जगन जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच गांव पहुंचा था और बेटी के हाथ पीले करते वक्त अपराध की दुनिया से हमेशा के लिए तौबा करने की कसम खाई। जगन का खौफ इतना था कि लंबे अरसे तक कोई शादी गांव में हुई ही नहीं थी। गांव लगभग खाली हो गया था। करीब एक दशक बाद 2010 में गांव में जगन की ही बेटी की शादी हुई थी। लेकिन अब जब जगन पुलिस की गिरफ्त में है तो गांव वालों ने चैन की सांस ली होगी। गांव वालों को ये भी समझना चाहिए कि जो जगन उन्हें डराकर रखना चाहता है वो असल में खुद ही मौत के डर से थर थर कांपता रहता है। धौलपुर से रवि कटारा और विनोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।